अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और भाई के व्लॉग्स देख रहे होंगे। तो गाइस आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि यूके में आपको पता है कि अप्रैल को हर साल न्यू रूल्स पास होते हैं, तो इस बार भी इनके न्यू रूल्स पास होने लगे हैं। और ये न्यू रूल्स गुड न्यूज़ है सब स्किल वर्कर्स के लिए जो कि इधर अपना स्किल वर्कर वीज़ा पे आते हैं। और आगे कुछ ऐसे होते हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलती, उनको लोग कंपनी ऑफर कर देती है जॉब, लेकिन आके इनको उधर जॉब नहीं मिलती, लेकिन वो दूसरी कंपनी में एनआई पे लीगली काम भी नहीं कर सकते। एनआई आप सबको पता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर एक आप सबको मिलता है जिस पे आप इधर काम कर सकते हैं, कि उसके थ्रू आपको बैंक में उस पैसे भी आते हैं। तो इसलिए गाइज अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और उसके साथ साथ क्रिकेटिंग वीडियोज जो कि आप सब अगर पसंद करते हैं क्रिकेट को तो आपको वो भी मिलेंगी। और क्योंकि मैं इधर क्रिकेट खेलता हूँ आप सब जानते होंगे जो मेरे पहले व्लॉग्स देखते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। दो न्यू रूल्स गाइज इधर पास होने लगे हैं। पहला रूल तो गाइज ये है कि जो स्किल वर्कर वीज़ा पे इधर आते थे बहुत सारों के साथ ऐसे होता था जो कंपनी उनको स्पॉन्सर करती थी, इधर आके वो कंपनी उनको जॉब नहीं देती थी, सिर्फ बुला लेती थी, ऑफर करती थी और उसके बाद उनको बगैर जॉब के उस पे टैक्स भी देने पड़ते थे। क्योंकि जब आप इधर आते हो तो आपको एनआई पे वो आपको यही शो करा रहे होते हैं कि आप काम कर रहे हो, लेकिन आप उस पर काम कर नहीं रहे होते, आप घर बैठ के बगैर कमाए उनको टैक्स भी पे कर रहे होते हो। तो अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि गाइस अगर आप काम नहीं कर रहे, अगर आपको कंपनी काम नहीं कर रही, पहले ये होता था कि उसी काम से रिलेटेड, उसी स्पेसिफिक क्या लें जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आप कोई दूसरा कंपनी में काम कर सकते थे। लाइक अगर कोई केयर वर्कर किसी कंपनी में काम कर रहा है या किसी केयर होम के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको केयर होम में जॉब मिल सकती है, बाकी किसी डिपार्टमेंट में जॉब वो नहीं कर सकता। तो अभी जो रूल चेंज हो रहा है गाइस उसमें ये है कि अगर आप केयर वर्कर इधर आए हैं और आपको आपकी कंपनी जॉब नहीं दे रही, लाइक आपको बुला के उसको आपको वर्क आवर्स नहीं दे रही, तो उस पर आप ये कर सकते हैं कि आप किसी दूसरी कंपनी के साथ 20 आवर्स काम कर सकते हैं। कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई किसी किस्म का भी आप काम कर सकते हैं। पहले तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन थी, अब वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई हैं गाइस। तो और ये था गाइस गुड न्यूज़ आप सब के लिए। और दूसरी खबर गाइस ये है कि जितने बीआरपी थे पहले, बीआरपी आप सब जानते हैं बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट जिसे कहते हैं, वो आप हट जाएगा, अब उसको ख़त्म कर रहे हैं इस अप्रैल से। उसके बाद आप सिर्फ ई वीज़ा लगेंगे इधर, ई वीज़ाज आपके पास होंगे जिस पे आपके क्या लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ई वीज़ाज पे ही होगी, आपकी वीज़ा टाइम ड्यूरेशन एवरीथिंग आपकी ई वीज़ाज पे शिफ्ट होने लगी है। तो गाइज़ ये सब अभी आपका 4 अप्रैल से आपका जो न्यू रूल पास होने लगे हैं उसमें सब कुछ चेंज होने लगा है। उम्मीद है गाइस आपको ये सब को ये न्यूज़ बड़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि रूल चेंज हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आएगा। गाइस अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनसे आपसे मिलेंगे गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।